कि भाजपा पार्टी नहीं है, निर्मा सुपर है, डिटर्जेंट है। नहीं कि भाजपा का यदि आप विरोध कीजिए तो आप बहुत खराब आदमी हैं, लेकिन जो ही आप मोदी मोदी करने लगेगा तो ही आप सबसे अच्छा आदमी बन जाएगा। चलिए नीतीश जी को मुबारक हो, नया साथी पुराना साथी सब को मुबारक हो, लेकिन बिहार की जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये भाजपा वाले बिहार का कभी सगा नहीं हो सकते हैं। और ये बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बिहार के लोगों के साथ जब कहीं मारपीट की जाती है तो ये संयोग का बात नहीं है कि वहाँ बीजेपी की ही सरकार होती है। जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी तो भाजपा के एक मंत्री हैं विजय गोयल जी ने कहा कि बिहारी लोग आकर के दिल्ली को गंदा कर देता है, तो साफ कौन करता है? आपके चचा जान करते हैं साफ। साफ सफाई का काम कौन करता है? ठेला कौन चलाता है? रिक्शा कौन चलाता है? मेहनत मजदूरी कौन करता है? किसके भरोसे चल रहा है यह देश? बिहारियों के खून पसीने के मेहनत के भरोसे चल रहा है यह देश। जब गुजरात और बिहार के लोगों के ऊपर मारपीट होती है तो भाजपा के का ही शासन है वहां पे, भाजपा की ही सरकार है। चूड़ा दही राज 14 तारीख से शुरू हो पहले सब भजपैया हम दही देंगे। एक भी शब्द न गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया, न देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया, और न ही अमित शाह के द्वारा बोला गया। और अमित शाह की बात कर रहे थे, बड़ा मजेदार चीज याद आया है। अमित शाह जी को भी एक बुखार हो गया है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्वाइन फ्लू और हिंदी में उसका मतलब होता है सुअर का बुखार। हम अमित शाह से सुअर नहीं दे रहे हैं, गलत बात ऐसे नहीं। उस बुखार का नाम है स्वाइन फ्लू, जिसको हिंदी में कहते हैं सुअर का बुखार। तो कोई कांग्रेस का नेता कह दिया, और एक और देश के युवा नेता है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर परेशान है, देश को बचाएं कि दंगाई को, अनुरोध है कि राष्ट्रहित का ध्यान रखा जाए। उसके बाद कुछ पत्रकार हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के बारे में अब शब्द कहा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मन में हम ये सोचे कि इनके लिए दुनिया में अपशब्द बना ही नहीं है। अगर किसी को अमित शाह आप कह दीजिए, ये अपने आप में अपशब्द है। जैसे अगर आपको किसी पर गुस्सा आए, कोई बच्चा बहुत बदमाशी करे, तो उसको आप कह दे अमित शाह की तरह मत करो, ये अपने आप में काफी है, उनके लिए कोई अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है। और इनको बड़ी चिंता होती है जब कोई अमित शाह के लिए कुछ कहे, मोदी जी के लिए कुछ कहे, तो मीडिया एकदम रुदाली बन जाती है, दिन रात उसके आंख से आंसू निकलने लगता है, पेट में ऐसा मरोड़ मारता है कि क्या बताएं आपको, बड़ा दर्द करता है। लेकिन उस वक्त ये लोग चुप्पी साध लेते हैं जब अमित शाह ने कहा था कि मोदी जी की आंधी और तूफान से डर करके सारा विपक्ष, जिसको सांप नेवला चूहा कहे थे कि नहीं कहे थे, पूरा का पूरा विपक्ष को सांप चूहा नेवला बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप कहें तो ठीक, आपको कहें तो खराब। मैं कहता हूं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपको हम कहें मोदी जी और आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को कहें ललुआ, ये ठीक बात है? ये जरा हमको सोच के बता दीजिए। आपको हम इज्जत से बोले और आप हमको बेइज्जती करके बोले तो क्या कीजिएगा? कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष दिखाएंगे। जिसके पास 283 का प्रचंड बहुमत हो वो तो कुछ भी बोल सकता है, जो मुंह में आए वो बोलेगा, उस पर कौन सवाल पूछ रहा है? और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह सरकार जब से जीत करके आई है 2014 से लेकर के,
2019 के बीच में इन्होंने कितने कारनामे किए हैं, इस बात को आप याद कीजिए। इनके जो कुछ प्रमुख कारनामे हैं उसका मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो देश की जनता के बीच में यह फैलाया गया कि मोदी जी बहुत गरीब आदमी हैं, मोदी जी चाय बेचते थे, मोदी जी अपनी मेहनत से भाजपा के सबसे बड़े नेता बने हैं, इसीलिए गरीब आदमी का बेटा ही गरीब का दर्द समझ सकता है, यह बात फैलाई गई। देश की गरीब जनता को लगा कि गरीब का बेटा है, गरीब का भला करेगा, इसीलिए लोगों ने तय किया कि इसको ही इस देश का हम चौकीदार बनाएंगे। चौकीदार हिंदी शब्द है, चौकीदार को अंग्रेजी में कहते हैं गेट कीपर। देश की गरीब जनता ये सोच करके इनको वोट दी कि ये हमारी रक्षा करेंगे, हमारी चौकीदारी करेंगे, हमारे गेट के कीपर बनेंगे। लेकिन मजेदार बात ये है कि आपके गेट के कीपर नहीं बने, ये अंबानी और अदानी के दरबान जाकर के बन गए। और ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, याद कीजिए जब नोटबंदी की जा रही थी, रात को मोदी जी का भाषण आया था और मोदी जी ने नोटबंदी करते हुए कहा कि भाइयों बहनों अब सब काला धन वापस आ जाएगा। तो लोगों को लगा कि बड़ा अच्छा बात है, काला धन यदि वापस आ जाए तो क्या दिक्कत है। और कहानी चलना शुरू हो गया, बलिया में भी कहानी चला होगा कि पोखरिया में 3 बोरा रुपया फेंका हुआ मिला है, तो फलना नदी में रुपया फेंका हुआ मिला है। एक बात हमको आप ईमानदारी से बताइए कि बलिया का, बेगूसराय का, बकरी का, बछवारा का कोई करोड़पति आदमी आपके साथ बैंक में लाइन लग करके 1000 रुपया बैंक बदलने के लिए खड़ा हुआ था? कैसे, क्यों नहीं खड़ा हुआ था? और तोरा के फ्री में 2000 रुपया रहो, ओकरा बदले तो बेकल भाग गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लाइन में लगल रहे, एकरा मुंह पकड़ रहा हम, ओकरा मुंह धे रहा हूँ, रे नुनू हमारे 2000 रुपया बदल दे, रे नुनू हमारे 4000 रुपया बदल दे, तो एकर लाखों करोड़ों रुपया केना बदल ले, भाजपाइए बदल दे। एक उदाहरण हम बतबे, नोटबंदी से ठीक पहले बेगूसराय भाजपा के लोगों ने एक जमीन का धुरफंदी किया है, वो मामला अभी चल रहा है, बेगूसराय का मामला है। और जितना नेता है ये सब, सबको मालूम था कि नोट बंद होने वाला है, धड़ाधड़ ये लोग जमीन खरीदना शुरू किया होने पौने दाम पर। आई पूरा जो आपको बलिया से बेगूसराय रोड जाता है, देख लीजिए पौने दाम पर जमीन खरीदा है, खरीदा है इनके बगल में। ये है सच्चाई, गरीब जनता के आंख में धूल झोंको, उसका पैसा वसूलो और अमीर लोगों के खाते में जमा करो। सब लोगों को लगा कि 2-4 दिन कष्ट होगा, क्या दिक्कत है, सारा भ्रष्टाचार का पैसा यदि बैंक में जमा हो जाएगा तो गरीब जनता का विकास होगा। इस उम्मीद में लोग लाइन में लग गए और लाइन में लगने के चलते 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। बैंक कर्मचारी सब रात रात भर पैसा गिनव कर रहे हैं और उसका कुल नतीजा क्या हुआ, कुल नतीजा ये हुआ कि कोई काला धन वापस नहीं आया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देश का सबसे बड़ा बैंक जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि सारा पुराना नोट वापस जमा हो गया है। हे मोदी जी, काला धन कहाँ गया, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हुआ काले धन का? फिर भी यदि आप कहते हैं, फिर भी यदि आप झूठ बोलते हैं, झूठ का तो नाम नहीं है, झूठ तो मैंने की कहियो, झूठ का हालत ये है कि सामने से मोदी जी आ झूठ रास्ता में टकराए जाती तो जना भाव नहीं ल जाए जैसे भैंसू जना घोघा बनि चल एना ही आदमी झूठ बोले मैंने झूठे अगर धंधे एकर एक काम झूठ बन रहा है। लाल किला से खड़ा होकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि
कि 3 लाख करोड़ काला धन वापस आया है। हे परमात्मा, हे विधाता, अगर 3 लाख करोड़ काला धन वापस आया है तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं आया है? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या हुआ 15 लाख रुपए का वादा? क्यों नहीं हमारे खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया गया है? कोई काला धन वापस नहीं आया है। आपका 2000, 4000, 5000, 10000, 20000 जितना रुपया था उसको बैंक में जमा करा दिया गया और आपका पैसा इस देश के पूंजीपतियों के ऊपर लुटा दिया गया। और मोदी जी का दोस्त नीरव मोदी 35000 करोड़ रुपया लेकर के देश छोड़कर के भाग गया। नीरव मोदी 35000 करोड़ रुपया लेकर के देश छोड़कर के भाग जाता है। इसकी चिंता सरकार को नहीं है, लेकिन इसकी चिंता हो रही है कि जेएनयू के कुछ विद्यार्थी ने नारेबाजी की है। अरे इसमें क्या है? अगर जेएनयू के विद्यार्थी ने नारेबाजी की है तो उसको पकड़िए, उसको पकड़ करके जेल में डालिए। ये दिन रात टीवी स्टूडियो में बैठ करके तमाशा क्यों बना रहे हैं उसे? अगर लगता है आपको कि हमने कुछ गलत किया है, 24 घंटे हमारे साथ पुलिस रहती है, जब मन करे तब हथकड़ी लगा करके जेल में बंद कर दीजिए। सबूत है तो न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए, न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? अपने चापलूस पत्रकारों से इस पे एक बवाल खड़ा करेंगे, मीडिया में बहस करवाएंगे, ताकि जनता इस बहस के बीच में यह भूल जाए कि नोटबंदी के बाद इस देश में 1 करोड़ 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस सवाल को आप भुला देना चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इस देश में अगर कोई कानून तोड़ता है तो कानून की रक्षा करने के लिए हमारे पास पुलिस है, और उस कानून से संबंधित व्यवस्था देने के लिए, निर्णय देने के लिए, फैसला देने के लिए हमारे पास न्यायालय है। जब कोर्ट है ही, पुलिस है ही, तो भाजपाई सबको एड़ी उछला उछला कर भाषण देने का क्या जरूरी है? क्या है इसका मतलब? इस बात को आप समझिए। इसका मतलब ये है कि इस देश में कानून की जो हकीकत है उसको आप अच्छे से जानते हैं। एक सवाल आप हमको बताइए ईमानदारी से सोच करके, कि अगर आप गरीब आदमी हैं, आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है, तो आपको न्याय मिलने में वक्त लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन अगर कोई ताकतवर आदमी है तो पैसे के दम पर वो पूरे के पूरे कानूनी व्यवस्था को अपने पॉकेट में रखने का काम करता है कि नहीं करता है? इसके ताजा उदाहरण हम आपको बताते हैं। दारू बंद है ना, नीतीश जी की कृपा से दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? होम डिलीवरी जिंदाबाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कानून के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये कानून का मजाक है कि नहीं है? बिहार के आदमी को ज्यादा कानून कानून सिखाने का जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से कानून समझते हैं। उनको मालूम है कि जो ताकतवर लोग हैं वो कानून का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं, और जो कमजोर लोग हैं किस तरीके से उसको कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। एक बात ये तो बता दीजिए, हमारा बाबूजी होते बड़का मिनिस्टर, हमारा मौसा होता बड़का रंगबाज, हमारा नाम होता कन्हैया मोदी या कन्हैया अंबानी, तो कोई भाजपाई हमको देशद्रोही कहता? यस बॉस, जी गुरु जी, जिंदाबाद, करना होता कि नहीं करना होता? इसको मालूम है, इसको मालूम है कि हम साधारण आदमी हैं, साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, 3000 रुपया उसको तनख्वाह मिलता है, तो कितना उछल लेंगे? लोग कहते हैं ना कि मुल्ला एक दौर मस्जिद है, कितना दूर हम चले जाएंगे, क्या कर लेंगे? इसीलिए इन्होंने साजिश के तहत ये पूरा का पूरा मामला बचा, और जो काम हमने किया ही नहीं उस काम का हमको अपराधी बनाने का काम किया, फिर भी हम ठोक करके कहते हैं ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका साथ है, ये आपका समर्थन है, कि उसके ताकत से, उसके हिम्मत से हम बोलते हैं कि ऐ भाजपा वालों, इस देश में तुम्हारी सरकार है,
हम तुमको चैलेंज करते हैं, पहले भी चैलेंज करते थे, है हिम्मत तो आरोप पत्र दाखिल करो, आरोप पत्र दाखिल किए हो तो हमको गिरफ्तार करो, हमको न्याय प्रक्रिया में जाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम बड़ा होशियार हो, तुमको करना क्या है, तुमको नाम लेना है कन्हैया का, नाम लेना है जेएनयू का, नाम लेना है नारेबाजी का, और टारगेट किसको करना है, लालू प्रसाद यादव को, केजरीवाल को, राहुल गांधी को, डी राजा को, सीताराम येचुरी को। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता समझ चुकी है कि यह भाजपा देश के खिलाफ है, यह भाजपा किसानों के खिलाफ है, यह भाजपा गरीबों और मजदूरों के खिलाफ है, यह भाजपा पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और महिला के खिलाफ है। इसीलिए जनता ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, लोग अपने हाथ में मसाल लेकर के संकल्प लेना शुरू कर दिए हैं, लोग मुट्ठी तान करके ये मन ही मन ठान लिए हैं कि कुछ भी हो जाए इस सरकार को गद्दी से बाहर करेंगे। और यह जो जनता का संकल्प है, इस संकल्प के चलते जो राजनीतिक दबाव पैदा हुआ है, उस राजनीतिक दबाव के चलते इस देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ रहा है। यह जो विपक्ष की एकता है, इस विपक्ष की एकता से घबरा करके इन्होंने साजिश रचना शुरू कर दिया है। एक मिनट में हम आपको समझा देते हैं, ये बेगूसराय है ना, भोला बाबू एमपी हुए थे ना, लगभग 4,30,000 वोट, तनवीर हसन वोट कितने मिल रहे हैं, 3,70,000, और कम्युनिस्ट पार्टी वोट कितने मिल रहे हैं, 1,92,000, 3,70,000, 1,92,000 जोड़ दो, भोला बाबू पार्टी जीतता है नहीं जीतता है, तो असली खेला की चीज है, कन्हैया तो बहाना है, 2019 का चुनाव निशाना है, इस बात को आप समझ लीजिए। और हम ये नहीं कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, बस हम आपसे, अपनी माताओं बहनों से, बेगूसराय के नागरिकों से हाथ जोड़ करके एक अपील करते हैं, मत मानिए मेरी बात को, बस हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, इंतजार कीजिए और आज हमको वादा करके दीजिए कि जिस दिन आपका बेटा दूध का दूध और पानी का पानी करके आएगा, जिस दिन आपका बच्चा क्लीन चिट लेकर के आएगा, उस दिन से आप कसम लीजिए मर जाएंगे लेकिन सात जन्म में भाजपा को वोट नहीं देंगे, ये संकल्प रखना। और हम पूरे बिहार के लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, कन्हैया का नाम लेकर के आपने इस क्रांति घर धरती, इस क्रांतिकारी भूमि बिहार को बदनाम करने का काम किया है। बताइए, बिहार का कोई आदमी जब जाता होगा गुजरात, उसको पूछता होगा कहाँ घर है, तो कहता होगा बिहार। अच्छा, वही बिहार जहाँ का कन्हैया है जो देश विरोधी नारा लगाया है, यही कहता होगा ना। और बिहार से भी ज़्यादा अपमान किसका होता है, बेगूसराय जिले का, इस मिट्टी का। ट्रेन बस में बैठे हो वो लोग पूछे तो कहाँ मकान, कहे हो वो बेगूसराय। अच्छा, मुँह जहाँ का नैया घर हो ले, तब कहे हो तो अच्छो देश विरोधी नारा लगे क्या, तो मन शर्माबे होता, मन छोट भे जाए होता। ठीक है, तुम जानै छो, लोग हमारा परिवार के जानै छै, लोग हमारे झंडा के जानै छै, लोग हमारे पार्टी के जानै छै, तो तनी जबरदस्ती लोग नहीं कहते, तनी खैनो बोल, तनी देखनो बोल, तनी रगड़ के जवाब दे दे। लेकिन बात के दबबे के कोशिश करे छे कि नहीं करे छे, अभी बात तो हमरा सोच के बतबो कि हमर बहाना लेके वो ललका झंडा के बदनाम करे कोशिश कैलकै हन कि नहीं कैलकै, हमर बहाना लेके वो बेगूसराय धरती के बदनाम करे कोशिश कैलकै हन कि नहीं कैलकै। बेगूसराय धरती वो धरती छिकै जे देश के राष्ट्र कवि देलकै, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। और बेगूसराय का जो यह अपमान है, उस अपमान के संबंध में सिर्फ हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, छोड़ दीजिए टीवी और मीडिया को, उस पत्रकार पे क्या भरोसा कीजिएगा, जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 का नोट दिखा करके कह रहा था कि इसमें चिप लगा हुआ है, 10 फुट गहरा मिट्टी में रखेंगे तब भी पता चल जाएगा कि काला धन कहाँ है। अरे डकोर संग, कहाँ है चिप, जरा हमको निकाल करके दिखाओ कि 2000 का नोट में कहाँ चिप है। उस झूठा पे आप क्या भरोसा कीजिए, वो झूठा पत्रकार इस देश में अंबानी और अदानी का नमक खाया है, इसीलिए उसके लिए दुम हिला रहा है।
हम आपका नमक खाए हैं, हम पे भरोसा नहीं है, तो अपनी परवरिश पे भरोसा कीजिए, अपने नमक पे भरोसा कीजिए। कुछ भी हो जाए, बेगूसराय का नमक नमक खराब नहीं पैदा कर सकता है। यह बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इस संबंध में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम लोग नारा लगाते हैं लेकिन देश के खिलाफ नहीं नारा लगाते हैं। हम लोग नारा लगाते हैं किस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित कैसे किया जाए। हम लोग नारा लगाते हैं कि जात पात को कैसे खत्म किया जाए। हम लोग नारा लगाते हैं कि सांप्रदायिकता के जहर को कैसे मिटाया जाए। हम लोग नारा लगाते हैं कि कैसे इस देश में कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। हम लोग नारा लगाते हैं कि हमारी जमीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए। हम नारा लगाते हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या दलित, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। हम ये नारा लगाते हैं, हमारा ये नारा होता है। लेकिन ये नारा जब आप लगाएंगे तो इस देश के हुक्मरानों को पेट में दर्द होने लगता है। उनको लगता है कि ये छोटा बिहारी, ये बेगूसराय वाला जिसकी माँ 3,000 रुपया कमाती है और 3,000 को हम पान पराग खा करके थूक देते हैं, और ये 3,000 कमाने वाला का बेटा हमसे सवाल पूछता है कि हमारे खाते में 15,00,000 रुपया क्यों नहीं आया। ये 3,000 रुपये कमाने वाली माँ का बेटा हमसे पूछता है कि इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिलती है। ये 3,000 कमाने वाली का बेटा पूछता है कि इस देश के किसानों को उनके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों इस देश में एक साल में 12,000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे पास मीडिया है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास धन दौलत तमाम तरह की चीजें हैं, हम तुम्हारी आवाज को चुप करा देंगे, हम तुमको जेलों में डाल देंगे। तो ऐ मोदी जी, बेगूसराय की ऐतिहासिक धरती से हम आपको चुनौती देना चाहते हैं। हम कल भी आपके खिलाफ नारा लगाए थे, आज भी हम आपके खिलाफ नारा लगाएंगे। इस देश के लोगों के हक अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे। जेल तो हम घूम के आ गए, देख लिए हैं कि जेल क्या होता है, और हम लोग जेल के खिलाफ पहले से भी बोलते रहे हैं। हम लोग कहते थे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये हमारा संकल्प है, आप कुछ भी कर लीजिए। अभी तो हमने आपको नहीं कहे चोपड़ा ठोठिया है, कह रहा ना चार सीट कर ठोठिया है, कह रहा सर चार सीट कर रही है। अब चार सीट करने के बाद कह रहे हैं कि टीवी में सबूत पेश करने से कुछ नहीं होगा, न्यायालय में सबूत पेश कीजिए, और अगर सबूत है तो हमको जेल में डालिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप चार्जशीट पेश कीजिए तब भी, जेल में डालिए तब भी, कोड़े बरसाइए तब भी, गोली मारिए तब भी, हम यही कहेंगे कि ये हिंदुस्तान सबका है और हम सबके हक और अधिकार के लिए अपनी देश की मिट्टी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, आप कुछ भी कर लीजिए। हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं था कि आपने कौन सा राग छेड़ा है। गाना में राग भैरवी, ये राग भैरवी नहीं छिके, ये लाल झंडा का राग क्रांतिकारी छिके। उनका अंदाजा नहीं रहे ये बात को, शायद ये बात बुझलखिन नहीं, ऊपरे ऊपरे हेलीकॉप्टर से उड़ के गेल होती ना, तो बेगूसराय मिट्टी के गंध नहीं गल होता नहीं, आप पता चल गए होता है कि एगो बेगूसराया छड़लिए तो हमारा ये हाल कह देते, एक कन्हैया ये हाल, और सब बेगूसराया एक जैसे तब की हाल होता ही सोच रहे मोदी जी बात कह देते। और यह जो संकल्प है, इस संकल्प के संबंध में एक ऐतिहासिक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। बेगूसराय की धरती वो धरती है जो एक जमाने में श्रीमती इंदिरा गांधी का भी विरोध किया था। बेगूसराय की धरती वो धरती है कि एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने के चलते यहाँ के एक वीर नौजवान को देशद्रोह के मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया गया था, हमारे गांव बगल में गौरच बरौनी किया है, केदारनाथ सिंह को। और उस केदारनाथ सिंह ने लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी थी, और उसी लड़ाई का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए,
आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। यह सरकार पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, यह सरकार सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, यह सरकार ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, यह सरकार चुनाव आयोग का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डालने के लिए। लेकिन हम इनको कह देना चाहते थे कि कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे, कल भी हम जीते थे और आज भी हम जीतेंगे, यह संकल्प है हमारा। हम इनको बता देना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यह लड़ाई जो छिड़ी है, यह लड़ाई इस देश में